बिहार के सीएम नीतीश कुमार सूबे में सुशासन का दावा करते हैं, लेकिन अपराधियों के बुलंद होते हौसले उनके दावों को बेदम साबित कर देते हैं। नीतीश कुमार के राज में पिछले 72 घंटों में 3 व्यवसायियों की हत्या कर दी गई, जिसे लेकर विपक्ष हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सुशासन को जंगल राज ही करार दे दिया। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार निर्लज हो चुकी है। आरजेडी के साथ विपक्ष के सुरों को बुलंद करते हुए कांग्रेस ने भी जोरदार प्रदर्शन किया। पहले वैशाली, फिर मुजफ्फरपुर और अब दरभंगा में बदमाशों ने नीतीश के सुशासन की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। 72 घंटे में हत्या की 3 वारदातों को अंजाम देकर बदमाशों ने एक बार फिर नीतीश को विपक्ष के निशाने पर ला दिया है। कांग्रेस से लेकर आरजेडी तक इस गुंडाराज को लेकर हमलावर है और ये विरोध लाजमी भी है। वैशाली और मुजफ्फरपुर में व्यवसायियों की हत्या की गुत्थी अभी पुलिस सुलझा भी नहीं पाई थी कि दरभंगा में भी बेखौफ अपराधियों ने एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि केपी शाही दरभंगा में रानीपुर के पास नेशनल हाईवे क्रमांक 57 पर बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। शाही एसके कंस्ट्रक्शन के मालिक थे और उनकी कंपनी नेशनल हाईवे पर रानीपुर के पास सड़क निर्माण का काम कर रही थी। इस वारदात को अंजाम देने के बाद से अपराधी मौके से फरार है। हैरान करने वाली बात ये है कि बीते 72 घंटों में ये तीसरी घटना है। इससे पहले मुजफ्फरपुर में शुक्रवार को एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, वहीं गुरुवार को वैशाली में अपराधियों ने हत्या को अंजाम दिया था। बिहार में बिगड़ी इसी कानून व्यवस्था को लेकर तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने लिखा कि बिहार में गाजर मूली की तरह लोग काटे जा रहे हैं, चारों तरफ गोलियों की तड़तड़ाहट से आम आदमी खौफ में है। आरजेडी के साथ साथ कांग्रेस ने भी पटना में जोरदार प्रदर्शन किया। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।